बात करेंगे SM 4186 जो है, ये IC होती है, इसमें सिंगल कॉफ होते हैं। इसमें बैकलाइट ऑन नो डिस्प्ले था, इस सेट में बैकलाइट ऑन है बट नो डिस्प्ले। तो इसे हम कैसे ठीक करते हैं, आइए जानते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले सारे वोल्टेज चेक कर लिए हैं हम लोग ने। तो SM इस IC को जब एक बार स्विचिंग होता है, ऑन होता है, एक बार जब ऑन करते हैं तो उस समय ये यहाँ पे VON जो बना है यहाँ पे VGH, ये 30 वोल्ट के आसपास, 10-15 वोल्ट बनता है, फिर ये ड्रॉप कर जीरो हो जाता है। AVDD यहाँ पे कंटिन्यूस रहती है, ये AVDB सर्किट है, यहाँ पे AVDB कम 5 वोल्ट रहता है, बाकी सारा वोल्ट ड्रॉप होता है। तो हमने इसे जब चेक किया तो पहले मैंने इसे स्क्रैच कर लिया है, अच्छे से देखिए आप, स्क्रैच कर लिया। अब हम इसकी लाइन को कट करने वाले हैं। हमने ये जो लाइन अभी कट किया, ये CKB B1 है, CKB V1। अब जो धूम से था देख लीजिए, इसको पहले मैंने स्क्रैच कर रखा था, मैंने ये फर्स्ट लाइन कट किया है ये वाली, ये वाली लाइन मैंने कट कर दिया। अब इसको हम मीटर से चेक करते हैं कि ये सेट रेडी हुआ है या नहीं। मीटर को हम 120 के रेंज पर रख के इसका ग्राउंड कर लेते हैं। अगर इससे फिगर नहीं आया तो हम इसके नेक्स्ट ट्रैक को कट करके करें, CKB B2 को देखेंगे कट करके कि ये बनता है कि नहीं। अब हम इसके भी ऑन पर रखते हैं, स्टैंड बाई, देखिए 30 वोल्ट आ गया, या बैकलाइट भी ऑन हो गया, यहाँ देख सकते हैं आप। अब हम फिगर के देखते हैं फिगर कैसा आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं AVDD वोल्ट 5 वोल्ट बन रहा, यहाँ पर VGH 30 वोल्ट बन रहा। तो अब इसका हम फिगर देखते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि CKB B1 कट करने से हो सकता है, कभी 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 CKB B2 CKB B1, देखिए ये नो सिग्नल आ गया, पिक्चर में कोई डिस्टर्बेशन भी नहीं है, पिक्चर बिल्कुल ओके है, देखिए। तो इसी प्रकार से आप किसी भी सेट को रिपेयर कर सकते हैं। ये अभी बैकलाइट ऑन नो डिस्प्ले था, अब ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देखिए मैंने किस तरह से स्ट्राइक को कट किया है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं दोस्तों। मैं दुकान पर, शॉप पर अपने अकेला हूँ, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है, तो वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा डिस्टर्बेशन हो रहा है, इसलिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। इस तरह से आप, ये चाइना वाली पैनल आती है ज़्यादातर, SM 4186, इसमें आप रिपेयर कर सकते हैं और ये सक्सेसफुल रिपेयर भी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेट नहीं चलता, ये सेट बढ़िया चलता है जब रिपेयर हो जाती है। तो ये देखिए अभी भी चल रही है, इसमें कोई डिस्टर्बेशन नहीं है, इसलिए आप लोग भी इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। CKB 1 B2, इसके बारे में आप पहले नॉलेज ले लें, कहीं जाकर अपडेट हो जाए, ट्रेनिंग ले लें, उसके बाद ही कोई काम करें। ऐसे नहीं कि कोई भी ट्रैक कट कर दिया सेट चालू हो जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।